हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपका पेरियोडिक टेबल से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाले हर एक एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, डोबेर नायर। ठीक है, इसका क्या सही हो जाएगा, डोबेर राय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ठीक है, वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मेंडलीव। किसके द्वारा किया गया था, ये मेंडलीव के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु क्या है। क्वेश्चन क्या है, सबसे भारी धातु क्या है। तो याद रखना आपको सबसे भारी कौन सा धातु होता है, तो जो ऑस्मियम होता है वो सबसे भारी धातु होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑस्मियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्की धातु क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सा है। तो याद रखना आपको सबसे हल्की धातु कौन सा होता है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लिथियम। जो लिथियम होता है सबसे हल्का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व, ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा धातु तत्व। तो धातु सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम इसका सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा एक क्षार धातु, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एक क्षार धातु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। देखिए, आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका टोटल में कितना क्वेश्चन बनना। ठीक है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता। ठीक है, उसको हम लोग निष्क्रिय गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। किसके आधार पर जो आवर्त सारणी बनाया गया वो उसका आधार क्या है। ठीक है, तो ये आपका किसके द्वारा बनाया गया था, तो परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसी के आधार पर बनाया गया था मेंडलीव का आवर्त सारणी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी के यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है आपका परमाणु संख्या, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, परमाणु संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है, वर्गों की कुल संख्या। ठीक है, तो वर्गों की कुल संख्या कितनी है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, पीरियड जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी कुल संख्या कितनी है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, टोटल 7 आवर्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। जो उसका पांचवा आवर्त है उसमें कितना तत्व है टोटल, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, टोटल 18 तत्व है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, और इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, इसका आप आंसर कीजिए कमेंट में। ठीक है, और
आपका टोटल, जैसे जितना भी टोटल आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, टोटल 23 क्वेश्चन होगा, तो उसमें से आपको कितना क्वेश्चन बनेगा ये भी आपको कमेंट में बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, इसका सही हो जाएगा मेंडलीव के ये द्वारा दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, मोसली के द्वारा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोसली के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में, फलन के रूप में तत्व गुंधन पर आधारित होता है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा परमाणु संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस नहीं है? यहाँ पर आपको चार को गैस का नाम दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो ब्रोमीन होता है आपका, वो आपका इनर्ट गैस नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, इसमें से चार को गैस का नाम दिया गया, इसमें कौन सा नोबल गैस है, बस यही आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जो हीलियम होता है वो आपका नोबल गैस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? चार गो तत्व दिया गया है, इसमें परमाणु संख्या 3 किसका है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? लिथियम। जो लिथियम होता है उसका परमाणु संख्या आपका 3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है? जो हेलोजन समूह होता है उसमें से सबसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा क्लोरीन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका आंसर भी आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।